Hello students, welcome back to our maths class. In this video we are going to solve question number 4 of exercise 2.2 NCERT maths class 7. Our question number 4 is shade 1 by 2 of the circle in the box A. अब ये A box में से आपको कितने सर्कल को शेड करना है 1 by 2. 1 by 2 का मतलब होता है कि हर दो सर्कल में से एक सर्कल को आपको क्या करना है, शेड करना है. ओके तो देखिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारे 1 एंड 1 2 सर्कल हो गए, तो 2 में से किसी 1 को कर देंगे. ठीक है ओके. अभी हमने ये दोनों लिए, अब ये दोनों में से किसी एक को ये कर दिया, इन दोनों में से किसी एक को. ठीक है देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका है कंप्लीट. अब हम बात करेंगे नीचे वाले दो में से किसी एक को, 1 इसमें से भी और इसमें से भी. तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 का मतलब हाफ हो गया है. ठीक है आप इसको दोनों तरीके समझ सकते हैं. 2 में से 1 को आप ऐसा भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप काउंट करके कि कितने सर्कल हैं उसका आप हाफ कर दें. ओके अब देखिए सेकेंड वाले में क्या है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन अ बॉक्स बी. बी बॉक्स में कितने ट्राइंगल को आपको शेड करना है, 2/3 मतलब हर तीन में से दो को. ठीक है तो देखिए 1, 2, 3 में से किसी भी टू को कर देंगे शेड, 1 एंड 1, 2. अब इन थ्री में से भी किसी भी टू को शेड कर देंगे, इन थ्री में से भी किसी भी टू को शेड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स, हर पांच में से तीन को. ठीक है ये 5 है, 5 में से 3 को, 1, 2, 3. ओके इन 5 में से भी 3 को, 1, 2, 3. तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज 46. हमें क्या करना है, 1/2 मतलब इसका हाफ फाइंड करना है, किस किसका, 24 एंड 46 का. देखिए इसका एक सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको करना है हमें सॉल्व. सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे. ओके सो वी विल राइट हियर 1/2 ऑफ की प्लेस पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड 24. ठीक है अब इस 2 से इसको डिवाइड भी लगा सकते हैं आप और कट भी कर सकते हैं. तो हम इस यहाँ पर रिड्यूस करने वाली प्रोसेस का यूज करेंगे. 2 1 2, ओके 2 1 2 एंड 2 2 4. तो कितना आंसर हो जाएगा, 12 और ये 1. तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 1 12. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 12. सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. देखिए 1/2 ऑफ की प्लेस पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 46. नाउ रिड्यूस इट, 2 1 2, 2 2 4, और ये 6 है तो 6 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में. 23 मल्टीप्लाइड बाय 1, 23 1 23. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर बी, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे. 2/3 इन प्लेस ऑफ ऑफ बी है, मल्टीप्लाई है 18. 3 1 3, 3 6 18. ओके ये 2 है, मल्टीप्लाई 6, 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12. ओके क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 मल्टीप्लाई 27. अब रिड्यूस कर देंगे, 3 1 3, 3 9 27. ये 2 हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है और ये 9, तो 9 और 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 2 18. बट 8 ये हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए. नाउ वी हैव अनदर 2 क्वेश्चन हियर. फर्स्ट वी विल फाइंड 3/4, फर्स्ट नंबर 3/4 ऑफ 16. रिड्यूस इट बाय 4, 4 1 4, 4 4 16, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 4 12. सेकेंड क्वेश्चन, 3/4 मल्टीप्लाइड 36, रिड्यूस बाय 4, 4 1 4, 4 9 36, मल्टीप्लाइड 3/9, 9 3 27. गॉट इट. फर्स्ट नंबर 4/5 इन प्लेस ऑफ ऑफ वी पुट मल्टीप्लाई हियर 20, 5 1 5, 5 4 20, 4 एंड 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4/5 ऑफ की प्लेस पर मल्टीप्लाई 35, 5 1 5, 5 7 35. ठीक है तो ये 4 और 7 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 7 28. सो दिस इज अवर आंसर. That's all. I hope you like this video. Please subscribe our channel. Thank you very much. Thank you for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.